प्रोसेस चल रहा है ये आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो आपका कोई पेशेंट जिसके हालात क्रिटिकल हैं और उसे जम्मू से बाहर शिफ्ट करना है तो जम्मू नंबर एम्बुलेंसेस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी खड़ी नजर आएगी और पंजाब नंबर एम्बुलेंसेस जो है वो आपके पास होंगी, जो आपके पेशेंट को बाहर जो है ब्रांडेड हॉस्पिटल जिनको नाम दिया गया है वहां तक लेकर जाएंगी। ऐसा क्यों है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा विस्तार हुआ है। एम्बुलेंसेस की बात की जाए तो हर हॉस्पिटल के अंदर जो है दर्जनों एम्बुलेंसेस आपको खड़ी नजर आएंगी, पर पेशेंट जब क्रिटिकल है उसे जम्मू से बाहर लेकर जाना है तो उसके लेकर जो है पंजाब नंबर एम्बुलेंसेस क्यों यूज हो रही है? मैंने आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और फिर आप सोचिए कि किस तरीके से ये नेक्सस चल रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे पंजाब नंबर एम्बुलेंसेस जो है आपको यहाँ खड़ी नजर आएंगी और इंतजार कर रही है अंदर से उन लोगों का जो कि ये पूरा नेक्सस जो है चला रहे हैं, चाहे जीएमसी हो, सुपर स्पेशलिटी हो या एसएमजीएस हो। इसके अंदर बैठे कई डॉक्टर्स हैं, कई और लोग हैं जो इन एम्बुलेंसेस के साथ कनेक्शन में है और इन्हें कॉल कर जो है ये कहा जाता है कि अब इनकी जरूरत पड़ गई है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है जम्मू के हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट पर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज क्या कर रहे हैं जिनके नाक के तले इतना बड़ा नेक्सस जो है चलाया जा रहा है? चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या गहरी नींद में है जिन्हें ये नेक्सस दिखाई नहीं दे रहा है, या उन तक भी जो है उनका परसेंटेज पहुंच रहा है, उनका शेयर पहुंच रहा है जिसके बाद वो चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं? हमने जब वीडियो शूट किया तो कुछ लोग जो है हमें साफ तौर पर अंदर हॉस्पिटल से इशारा करते हुए नजर आए कि इस वीडियो को शूट ना करें। वो साफ तौर पर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे थे और आसपास के जो लोग हैं वो उसे इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये नेक्सस कितना बड़ा है और ये नेक्सस जो है आज से नहीं कितने सालों से चल रहा है। शौचालय की एक बिल्डिंग दिखेगी और इसी बिल्डिंग के बाहर जो है आपको पंजाब रजिस्टर्ड एम्बुलेंसेस भी पार्क हुई नजर आ जाएंगी, जो इंतजार कर रही होती है वो इस फोन कॉल का, जिससे कि ये यहाँ से जो पेशेंट है जिसकी हालत क्रिटिकल है और उसे जम्मू कश्मीर से बाहर जो है पंजाब के ब्रांडेड हॉस्पिटल्स में ले जाएगी। पर एक सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में हेल्थ सर्विसेज जो है वो शून्य है? क्या वो ब्रांडेड नहीं है? क्या वो बेहतर सुविधाएं लोगों को नहीं दे सकती? जो ये पंजाब नंबर एम्बुलेंसेस का नेक्सस जो है इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जीएमसी के बाहर भी नहीं, एसएमजीएस हो, सुपर स्पेशलिटी हो, हर कहीं जो है इसी तरीके से थोड़ी सी दूरी पर जो है ये पंजाब नंबर एम्बुलेंसेस जो है आपको खड़ी नजर आ जाएंगी, जो सिर्फ अंदर से जो इस पूरे नेक्सस को चला रहे हैं उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। कौन चला रहा है ये पंजाब नंबर का नेक्सस और कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों नहीं लिया जा रहा एक्शन? बार बार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट सर्विसेज दावे कर रही है, परंतु ये दावे जमीनी सतह पर क्या है आप देख सकते हैं। पंजाब नंबर एम्बुलेंसेज जो है बड़े बड़े पैसे मांगती हैं और उसके बाद जो है डॉक्टर्स की मिली भगत से जो है पेशेंट्स को जम्मू के बाहर रेफर कर दिया जाता है। अब आप इसके खुद गवाह बनिए और खुद बताइए कि कितने लोग जो है इसका शिकार हो चुके हैं और क्यों नहीं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ जम्मू जो है इस पर कोई कार्रवाई कर रहे? आप सबकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहे थे आत्म न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।